मुझे ये बताओ, ओशो ने दुनिया भर के विषयों पर बोला, तुम्हें उनकी बातों में सिर्फ सेक्स को ही चुनने में क्यों रुचि है? अष्टावक्र संहिता पर ओशो ने इतना मोटा साहित्य खड़ा कर दिया है, और गीता पर वांग्मय और पतंजलि योग सूत्र पर है। दुनिया का कोई ही उत्कृष्ट ग्रंथ होगा जिस पर ओशो ने नहीं बोला हो, बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथों पर बोला है जिन पर ओशो से पहले किसी ने नहीं बोला। विज्ञान भैरव तंत्र भी अनजाने से ही थे, ओशो ने प्रसिद्ध कर दिया, बिल्कुल पूरी दुनिया में ले गए, लोग जानने लग गए। तुम्हें वो सब क्यों नहीं पता? मीराबाई पर भी बोल गए ओशो, उसकी तस्वीर क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? सहजोबाई पर बोल गए, दादू दयाल पर बोल गए, वो सब क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? क्यों नहीं डालते तुम? यही क्यों डालते हो? क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। तुम ओशो का नाम भी लेकर के अपनी पुरानी घटिया वासनाएं पूरी कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी वासनाओं को सम्मान देने के लिए एक नाम ढूंढ लिया है, ओशो। भाई कोई व्यक्ति जब जीवन के हर पहलू पर बोलता है तो सेक्स पर भी बोलेगा ना, क्योंकि उसे जीवन की समग्रता को संबोधित करना है। ठीक, जब वो जन्म पर बोल रहा है, मृत्यु पर बोल रहा है, विक्षेप पर बोल रहा है, समाधि पर बोल रहा है, तो वो सेक्स पर भी बोलेगा, क्योंकि उसने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, तो उसने सेक्स को भी छू दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उनकी सारी किताबों को हटा करके तुम्हें उनके सेक्स संबंधी वीडियो ही क्यों दिखाई देते हैं, और जो उनके कुछ सेक्स संबंधी लेख है या वक्तव्य है वही क्यों याद है? बाकी सबकी बात कौन करेगा? मुझे बताना, सहजोबाई पर जो कुछ बोला है ओशो ने, वो तुमने कितना पढ़ा? या लाओत्सू पर जो बोला है, या चुआंगजू पर जो बोला है, या सूफियों पर जो बोला है, बताओ उसकी तुम चर्चा क्यों नहीं करते कभी? क्योंकि नीच आदमी हो। और ओशो के नाम पे जो कुछ चल रहा है अभी, वो 99% नीचता ही है। हर महापुरुष का दुर्भाग्य यही होता है कि वो चला जाता है, उसके पीछे उसकी बातें कैसे कैसे लोगों के हाथों में पड़ जाती हैं। जब तक वो जिंदा था तब तक तो फिर भी ठीक था, कम से कम बेवकूफी के विरुद्ध कुछ बोल सकता था। एक बार वो चला गया, फिर तो मौजा ही मौजा। उसका नाम लेकर के जो मक्कारी करनी हो, जो अय्याशी करनी हो, जो बदतमीजियां करनी हो, सब कर सकते हो। ओशो एक उदाहरण है, उसके अलावा भी हजारों लोगों के साथ यही हुआ है। आदम जात बड़ी घटिया जात है, हम किसी को नहीं बख्शते। गुरु वगैरह तो चलो फिर भी छोटी चीज हुए। हम अवतारों पैगंबरों को नहीं बख्शते, हम उनको भी अपनी कठपुतली बना लेते हैं। हम कहते हैं वो भी वही बोलेंगे जो मैं चाहता हूं।